तो हेलो दोस्तों, तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मेरे साथ ये दो दोस्त मेरे जो कि साथ में घूमने आए हैं, तो इन्हीं के साथ आज हम इधर घूमने आ गए हैं। मेरे चारों ओर जंगल ही जंगल है, देख लीजिए। और ये दोनों मेरे दोस्त, आज इन्हीं के साथ मैं पूरा ट्रैवलिंग करूँगा। इधर में इधर का जंगल बेहद खूबसूरत है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था उसी का पार्ट है, लेकिन वो उस तरफ पड़ जाता है और ये इस तरफ पड़ जाता है। बीच में एक बड़ा सा डैम था जिसको मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था। आज मैं इस तरफ वाला डैम भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, चलते हैं आगे। क्यों पानी है? पानी तो बहुत कम गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। इधर अब जाड़े का मौसम आ गया इसलिए सब सूख गया पानी। इधर बारिश भी हुआ है, लेकिन हल्का हल्का बारिश हुआ, ज़्यादा ज़ोर से हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी नमी है। तो ये जो जंगल है, मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। तो मैं इन दोनों दोस्तों से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इनका नाम आकाश है और इनका नाम रिशु है, जो कि मेरे साथ आज ट्रैवलिंग करेंगे। तो चलिए चल के अंदर देखते हैं, लेकिन उसके अंदर बाद में जाएंगे, उससे पहले मैं इधर जाऊंगा डैम की तरफ। उसी से होके रास्ता वो अंदर जाता है, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर पानी थोड़ा ज़्यादा जमा हो, क्योंकि इस तरफ गड्ढा बहुत ज़्यादा है इसलिए जम गया। उधर तो कम था क्योंकि उधर में सूख गया, अब लोग उसे खेत पे पटा चुके हैं, तो इधर में ज़्यादा गड्ढा था इसलिए इधर का पानी अभी भी है। और क्योंकि ये डैम के नज़दीक पड़ता है, इसलिए एक इधर भी है जो छोटा सा पोखर ही मान लीजिए, लेकिन इस तरफ जो है ये नदी का पानी आता है इधर, इसलिए इसमें पानी का जमाव जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब हम डैम के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर एक मेरे मित्र हैं जो दूसरे गांव के हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? राम ठीक है, और सब ठीक है? टाका टाका। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बैठे हुए थे, तो हम भी घूमने के लिए आए हैं। जरूर जरूर। ये एक बड़ा सा डैम है, इधर से तो दिखेगा नहीं, इधर से दिखाता हूँ क्योंकि तो काफ़ी बेहद खूबसूरत है, देख लीजिए। उधर से दिखाता हूँ, उधर से और काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। यहाँ पे पानी का जल जमाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह डैम है, इसलिए इधर में देख लीजिए। और ये जो डैम का पानी है वो इस नदी से मिलके हमारे गांव के जो पास में नदी है उसमें जाकर ये मिलता है। और मैं जिस जंगल की बात कर रहा हूँ वो जंगल ये है, जिसके अंदर मैं अभी जाके आपको इसका पूरा दिखाऊँगा वीडियो, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। तो फाइनली अब हम जंगल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक डैम बनाया था, किसी ने लगता है तोड़ दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरा बना लेंगे। अब हम जंगल में एंटर करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए काफ़ी सुनसान है ये जंगल, धुंध धुंध सब वीडियो आ रहा है क्योंकि कुहासा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आपको वीडियो में धुंध धुंध नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर कुछ भी, सांप है, बिच्छू है, कुछ भी रह सकता है इसमें। तो हम जंगल के काफ़ी बीचों बीच आ चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जंगल के बीचों बीच में एक घर है, जिसमें क्या होता था मुझे भी नहीं पता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे दो दोस्त पीछे ही रह गए, अरे आओ भाई जल्दी आओ, ये देखिए, अरे काफ़ी यहाँ पे साफ सुथरा सा, क्या बात है यार, यहाँ पे कुआं भी है जो कि अब पानी इसमें है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है इसमें पानी। ये देखिए यही वो घर है, इसके अंदर भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं लेकिन बदबू बहुत आ रहा है इसमें से। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस, आज
के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्द ही डालेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, मिजाज रहिए।